ये सब फाइल्स संजना हैंडल कर रही थी. लेट्स गो थ्रू दीज फाइल्स, शायद कुछ ना कुछ सबूत हाथ लग जाए. कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा देव, कुछ भी नहीं मिल रहा. साक्षी, जब तक एक भी फाइल बाकी है हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए. ये कुछ और फाइल्स हैं, आशा फाउंडेशन स्कूल वाली. रीना से कुछ बात हुई? हाँ सोनाक्षी, मेरी उससे बात हुई और उसने जो मुझे बताया वो काफी अलार्मिंग है. रीना को शक है कि संजना तुम्हारी फैमिली में से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और उसने तुम्हारे बाबा की फोटो भी देखी संजना के पास. बाबा की फोटो उसके पास कैसे आई? ये उसे नहीं पता, लेकिन उसे जब सेंस हुआ कि संजना कुछ गलत करने वाली थी, वो एक दिन ऑफिस भी गई देव को सब कुछ सच बताने के लिए. लेकिन संजना उसे वहां मिल गई और उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो ऐसा कोई पागलपन नहीं करेगी. जब मैंने रीना को संजना वाली सारी सिचुएशन बताई तो उसे काफी रिग्रेट हुआ कि काश वो उस दिन संजना की बातों में ना आती और देव को सब कुछ सच बता देती. मैम बताइए ना देव सर को आप क्या बताना चाह रही थी इनके बारे में. एक्चुअली ये फोटो तो बाबा के पास थी, एक एल्बम था जिसमें माँ की बहुत सारी फोटो थी, बट ये यहाँ पे क्या कर रही है? कौन सी फाइल में थी ये फोटो? ये आशा फाउंडेशन की फाइल थी. आई गेस प्रोजेक्ट के टाइम आशा माँ की कुछ पिक्चर्स रख ली होंगी उसी के लिए. मैंने जो नोटिस किया वो यहाँ पर एक फोटो नहीं है. वो आई थी ना घर पे, वो आशा फाउंडेशन के बारे में बात करने के लिए. हाँ वो घर पे आई थी, मैं भी तो थी वहाँ पे, और बाबा से सवाल पूछ रही थी माँ के बारे में, शायद बाबा ने दिया हो. पर आशा फाउंडेशन की फाइल में ये फोटो, ये कब दे? लेकिन मैं तो वहाँ थी. थैंक यू सो मच अंकल, नाइस मीटिंग यू, आई विल सी यू सून. यू आर वेलकम. एक मिनट, मैं जब वहाँ से निकली तो उसके बाद शायद संजना वापस घर पे गई हो और बाबा से मिली हो. दैट इज वेरी पॉसिबल. ये जो कुछ भी किया है वो संजना ने किया है. पर ये ऐसा करेगी क्यों? ये सब संजना ने ही किया है. जब बिजॉय अंकल का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद संजना का कॉल मुझे आया था, वो कुछ अजीब सी बात कर रही थी. वो बच गए? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उस वक्त तो मुझे लगा कि शायद अनजाने में उसने ये अजीब बात कह दी. अब समझ में आया कि क्या हुआ होगा. और उसके बाद संजना हॉस्पिटल भी आई थी. हॉस्पिटल में जब संजना बाबा के वार्ड में आई थी उसके बाद बाबा कोमा में चले गए थे. मतलब संजना ने ही ये सब उसने किया? नहीं, बाबा को मारने की कोशिश की उसने. मैं जा रही हूँ पुलिस. प्लीज, प्लीज 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 रुक जाओ. वी कांट डू एनीथिंग राइट नाउ. तुमने ही कहा था ना कि हमें पेशेंट से काम लेना होगा. अगर अभी हमने पेशेंस खो दिया तो हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है. हम कैसे कहेंगे कि संजना ने ये सब कुछ किया है? तो हमें बहुत पेशेंस के साथ आराम से इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा. पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ प्रूफ गैदर करना होगा. तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? घर पे क्या हुआ उसे हम किसी तरीके से भी प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई विटनेस था ही नहीं. हाँ लेकिन संजना हॉस्पिटल में भी आई थी और हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमराज होंगे. अगर हम वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ला सकें तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि संजना ने हॉस्पिटल में आके क्या ऐसा किया कि बाबा कोमा में चले गए. पर हॉस्पिटल सीसीटीवी फुटेज बिना पुलिस या कोर्ट की परमिशन से एक्सेस नहीं कर सकते. पर हमें सीसीटीवी फुटेज एक्सेस राइट कॉज के लिए चाहिए, तो आई कैन रिक्वेस्ट माई फ्रेंड, वो हॉस्पिटल ट्रस्टी का बेटा है. हमें जो भी करना है अभी करना होगा. वी हैव टू डू इट फास्ट, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.